कहता पार्टिकल एग्जीक्यूट लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड. जब देखो लीनियर क्या बोला, जब बताया नहीं जाएगा तो मैं लीनियर ही कंसीडर करूंगा मेरे भाई. वैसे जनरली बता दिया जाता है सिंपल हार्मोनिक एंगुलर भी होता है लीनियर भी होता है. एम्पलीट्यूड 3 है. वेन द पार्टिकल इज 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजिशन, जो डेटा दिया हुआ है पहले उसको छाप लो. ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है. इधर से जाएगा, इधर आएगा, रुक नहीं पाएगा, इधर जाएगा फिर वापस आएगा. ये ऐसे चल रहा है. ये एक्सट्रीम पोजीशन होते हैं, ये मीन पोजीशन होता है. अब कहता है एम्पलीट्यूड 3 है, तो चलो एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर लिख लेते हैं. ये वाली डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर दे रखा है. वेन द पार्टिकल इज 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन, मान लो एक्स 2 सेंटीमीटर है मीन पोजीशन से. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू इट्स एक्सलेशन, समझना एक्सलेशन और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हो तो टाइम पीरियड निकालना है. अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो एक्सलेशन होता है और जो वेलोसिटी होती है वो पोजीशन डिपेंडेंट होता है एंड इट ऑल्सो टाइम डिपेंडेंट. तो हमें अभी पोजीशन डिपेंडेंट वाला इक्वेशन चाहिए. जैसे जैसे पोजीशन बदलेगा वैसे वैसे वेलोसिटी बदलती है, वैसे वैसे एक्सलेशन बदलता है. यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो होती है, मिनिमम होती है. और यहाँ पर एक्सलेशन मिनिमम होता है और यहाँ पर एक्सलेशन मैक्सिमम होता है, उल्टा होता है. तो वेलोसिटी पोजीशन डिपेंडेंट होती है. ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, दिस इज द वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन. जैसे जैसे पोजीशन बदलेगा एक्स वैसे वैसे वेलोसिटी बदलेगी. ओमेगा एक कॉन्स्टेंट है, ए एम्पलीट्यूड है. एक्सलेशन इज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन माइनस ओमेगा एक्स स्क्वायर, दिस इज द एक्सलेशन जो है वो ओमेगा स्क्वायर. एक मिनट ये यहाँ से एक्सलेशन पोजीशन डिपेंडेंट होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. बहुत बड़ी गलती हो गई थी. तो ये एक्सलेशन पोजीशन डिपेंडेंट है. एक्चुअली जो एक्सलेशन है वो इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, क्या दिक्कत है. तो ये दोनों, अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो जो मैग्नीट्यूड इक्वल है तो कर दो ना, क्या दिक्कत है. तो मॉड ले लो, इसका मॉड ले लो. तो यह आ जाएगा ओमेगा एम्पलीट्यूड ए माइनस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स. तो एक ओमेगा ने एक ओमेगा को खा गया. तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. हमें क्या चाहिए भैया, हमें चाहिए टाइम पीरियड. टाइम पीरियड तब निकलेगा जब ओमेगा निकलेगा. तो यहाँ से ए इसको सॉल्व करो, ए स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर. और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, वो ए स्क्वायर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर 9 और एक्स का स्क्वायर 4 माइनस 1 मतलब 5/4, दैट इज द अंडर रूट, दैट इज द ओमेगा. ये आ गया ओमेगा. ओमेगा होता है 2π टाइम पीरियड इज इक्वल टू 5/4 अंडर रूट. इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम पीरियड आ जाएगा वो आ जाएगा 4π और √5. दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन. जल्दी जल्दी सॉल्व किया करो, रोबोट की तरह सॉल्व करो. 4π वही आदमी कंपटीशन रेस जीतेगा. इट इज द रेस यार, जो जल्दी भागेगा वही जीतेगा. इट इज द रेस. बी